नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं, नमो लोए सव्वसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडवं हवै मंगलं, पडवं हवै मंगलं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बेन मणिनगर, हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अपने जे अपने रात्रे 10 मिनिट जे शुद्धात्मा ने अरे रिलेटिव रियल रिलेटिव ने जे सामायिक करिए छे ने, तो शुरुआत में जे 3-4 दिवस 3 दिवस जे हता एमा तो मने एटला बधी फाइलो देखाती थी के आम गभरामण थई जाय के आटली बधी फाइलो छे। पछी गईकाले जे बैठा ने बैठी सामायिक में तो याद करवी पड़ी एम, એટલે અમુક જે ઘરની ફાઇલો હોય જેમ કે દિયર દિરાણી છે, ભાઈ ભાભી છે, મમ્મી પપ્પા છે, સાસુ સસરા છે, આ જે ઘરની ફાઇલો છે એ તો રેગ્યુલર આવે જયારે બી જોઈએ ત્યારે આવે, પણ જે એક્સ્ટ્રા ફાઇલો હતી ફ્રેન્ડ સર્કલ છે કે બધું બહુ મોટું ફાઇલ મારે સર્કલ બધું બહુ મોટું છે, તો એ બધી જે ફાઇલો હતી એ બધાને યાદ કરવી પડી, તો શું મતલબ એવો કે 2-3 દિવસ આપણે જે શુદ્ધાત્મા જોયા તો એમાં એ ક્લિયર છે, કાલે તો યાદ કરવું પડ્યું કોઈ દેખાતું જ નહોતું, સેચા હે ના, યે પ્રકૃતિ હે। हाँ। प्रकृति में जैसे वो बारिश का मौसम होता है तो सब बादल छाया हुआ रहता है, हाँ, हाँ। और फिर वो गर्मी की मौसम आ जाती है, हाँ। तो सब खुला होता है, हाँ। फिर सर्दी में वो पूरा उसको क्या बोलते हैं, फॉग आ जाता है ना, दिखता हाँ, हाँ। नहीं है बराबर, हाँ। कोहरा कोहरा बोलते हैं ना उसको, तो ये हाँ। इस तरह से है क्योंकि देखने वाले आप है, हाँ। और दिखाने वाले शुद्धात्मा भगवान है, यानी लाइट प्रज्ञ शक्ति से आती है, आप हाँ, देखने वाले है हाँ, अंतरात्मा दशा में बैठे हुए हाँ, और स्क्रीन प्रकृति की है, और अगर प्रकृति में ऐसा कोहरा है, बादल सारे है, बहुत बारिश गिरती है, तो वो वाइपर चलाने के बाद भी दिखता नहीं है कई बार, हाँ, वो बाहर की कंट्री में तो ऐसा बारिश गिरता है कि कई बार हाँ, वो सब गाड़ी रोक देते हैं, साइड पर लगा देते हैं, हाँ, क्योंकि फास्ट फुल स्पीड वाला वाइपर लगाते हैं ना, फिर हाँ, भी दिखाई नहीं देता है, तो वो रिस्क नहीं लेते फिर ड्राइव करने का, हाँ, बोले साइड में रुक जाओ थोड़े देर के लिए, हाँ, ऐसा है, तो जब दिखाई देता है जैसा दिखाई देता है ऐसा हमें देख लेना है, हमारा काम देखना है, तो इस तरह से हमारा देखने का स्वभाव है, लेकिन हम क्या करते थे या कुछ अपेक्षा से अभी भी क्या करते हैं, वो करने कराने की जागृति में नहीं, करने कराने का लक्ष्य में रहता है, हाँ, ये करना है, ये करवाना है, इनको ये करवाना है, ये करवाना है, तो सब उसके लिए हमारा टाइम टेबल रहता है, बराबर, जैसे कि ये बच्चों का टाइम टेबल है ना, हाँ, रात के 9 बजे का जो टाइम टेबल है उनका, तो कितने बजे उठना है, कितने बजे ये करना है, कितने बजे वो करना है, ये सारे दिन का टाइम टेबल है ना, वो क्रिया हाँ, का क्रिया बेस्ड है, हाँ, आधार उसकी क्रिया है कि सारे दिन में ये सब करना है करके, तो वैसे सभी लोगों का टाइम टेबल करने का ही होता है कि सुबह में उठने के बाद ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, हाँ, तो ये देखने का जो प्रोग्राम है हमारा जागृति खुली हुई है,
हाँ, तो उसमें ये हमने रखा है चलो 10 मिनट के लिए, हाँ, लेकिन तभी सब प्रकृति ठीक होनी चाहिए ना, तभी वो, जब भी प्रकृति ठीक होती तो सबको दिखाई देता है, लेकिन हम देखने को बैठ जाना है, बराबर, तो वैसे बैठने की जरूरत नहीं है, हाँ, वैसे हमें बिठा ही दिया है, हम बैठ बिठा दिया से बदले हम बैठ ही गए हैं, वो भूमिका में बैठ ही गए हैं कि जहां पर बैठे बैठे हमें सब कुछ देखना ही है। हाँ, देखने का मतलब है समझना है कि क्या कैसा संजोग हमसे करवाता है। वो तो एक रियल रिलेटिव देखते हैं तो इसमें ये संजोग नहीं देखना है ना, क्या बताएं? रियल रिलेटिव देखते हैं शाम रात को तो उसमें संजोग क्या हो, उसके साथ क्या हुआ, वो तो देखने का नहीं है ना। नहीं, वो तो क्योंकि हमने वो फिल्टर रखा है कि रिलेटिव हाँ रियल का ही देखना है। हाँ बराबर, जैसे हम फिर अगर तय करेंगे कि सबको निर्दोष देखना है हाँ तो फिर क्रिया का भाग भी आएगा, हाँ कि जब वो क्रिया का भाग हम देखेंगे तब हम समझ लेंगे कि ये व्यवस्थित ने किया है, वैसे तो ये शुद्धात्मा है, और हाँ उनकी प्रकृति का भाग जो उन्होंने किया और खास करके हमारे साथ किया या हाँ किसी और के साथ किया, तो हाँ वो व्यवस्थित शक्ति ने करवाया है, वह हम देखेंगे। હજુ આ કેવું થાય છે કે જે કોઈને નિર્દોષ જોવું હોય દિવસે આ સામાયિક સિવાયનો ભાગમાં ખબર હોય કે આની સાથે આવું થયું છે એટલે નિર્દોષ જોવાનો અંદરથી એવું હોય કે એને નિર્દોષ જોવું છે, પણ એક એકાદ મિનિટ જેટલું નિર્દોષ જોવાને પછી જે કર્યું હોય ને એ ઉપર આવી જાય પાછું કે ના ના આમાં તો મારો ફોલ્ટ છે જ નહીં ને। उसका मतलब क्या होता है कि हमने तय किया है कि प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में, शुद्धात्मा के प्रकाश में ही मुझे देखना है, यानी शुद्धात्मा के ज्ञान प्रकाश में मुझे समझ से देखना है कि ये क्रियाएं सब व्यवस्थित ने की है, फिर भी हमारी बुद्धि बीच में आके बता देती है कि नहीं, आप चाहे कुछ भी बोलो व्यवस्थित, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, ये उन्होंने ऐसा किया, किया हाँ तो फिर ऐसे धीमे धीमे करके बुद्धि के प्रभाव में से निकलना है। अभी आप सोचो कि सामायिक में जब शुद्धात्मा दृष्टि की प्रार्थना करके शक्ति मांग के हम बैठे हैं, फिर भी वहां पर बुद्धि आ जाती है, तो वो जब हम ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही जीवन निर्वाह करते हैं, तभी तो उसका क्या बल होगा, क्या ताकत होगी, आप सुनिए ना। लेकिन ये ऐसा है क्योंकि आज तक उसी का सुना है, उसी का दिखाया हुआ माना है, तो वो ऐसा करेगी, फिर धीमे धीमे हमारा निश्चय बदल गया है कि हमने तय किया है कि प्रज्ञा शक्ति जो दिखाती है वही मुझे देखना है, यानी वही मुझे मानना है। प्रज्ञा शक्ति बताती है कि ये व्यवस्थित है तो हम मानेंगे कि नहीं ये व्यवस्थित है, लेकिन वो अभी हमने तय अभी हुआ है ना ज्ञान के बाद, तभी उसका जैसे जैसे हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, प्रतिक्रमण होगा पहले की गलतियों का, फिर उसका बल कम हो जाएगा। हाँ, वैसे बोलती नहीं हाँ, है, वैसे वो बुद्धि बोलती नहीं कि मेरा सुनो, लेकिन हमने उसका सुनने का तय किया है। हाँ बराबर, कि वही वही प्रकाश था ना हमारे पास, अभी हम जाग गए और हम तय करते हैं कि नहीं, मुझे तो प्रज्ञा शक्ति जो बताती है शुद्धात्मा की दृष्टि से ही मुझे देखना है, समझिए ना, तो ये धीमे धीमे ये निश्चय फिर काम करेगा। अभी वो आगे का धक्का जो निश्चय आगे का निश्चय किया ना, उसका धक्का काम करता है, वो बल पूर्वक काम करता है, फिर वो बल कम हो जाएगा, आज का निश्चय ताकतवर हो जाएगा, फिर वो ये सुदन मदृष्टि से देखेंगे, बराबर ऐसा है। हाँ ये एक, हाँ बोलिए बोलिए। હા બીજું એ કેવું થયું મને ખબર નથી હું સાચી છું કે ખોટું છું, પણ જયારે પર્યુષણ ચાલતા હતા ને ત્યારે એક વખતે તમે વિધિ કરાવતા હતા ત્યારે મેં પોતે તમે બોલતા હતા અને પાછળથી હું લેતી હતી વિધિ, એ દિવસથી ખબર નહીં શું અનુભવ થયો છે કે આમ જે કશું બિલકુલ સામાયિકમાં કશું ખ્યાલ નહોતો આવતો મને, એ દિવસથી મને ખ્યાલ આવવા માંડ્યો છે, તો મને હવે એવું થાય છે કે તમે આપ જયારે વિધિ બોલાવતા હોય અને અમે જે પાછળ જે જીલે છે તરત, તો એનો વધારે ફરક હોય છે એવું હોય છે ऐसा है ना, ये सभी सभी की भावना है ना, सब एक एक भावना वाले इकट्ठे होते हैं तो इस तरह से उसका लाभ मिलता है हमें। પાછળથી જે બધા બોલાવતા હોય બધા સાથે બોલતા હોય અને બોલીએ એના કરતા જે
पर्सनली बोलिए छे मैं खरेखर घणो फरक लाग्यो मने। दूसरी बात ये भी है कि जब ऐसा बोला जाता है तब हमारा उपयोग भी अच्छा होता है। हाँ ये महत्व की बात यहाँ पर उपयोग की आ जाती है। जितना तीव्र तीक्ष्ण उपयोग से हम बोलेंगे तो उसकी असर यही बताती है कि हमारा निश्चय कैसे काम करता है। हाँ बस हम ऐसे सब लोग बुलाते हैं, बोलते हैं, सामान्य भाव से बोलते हैं तो उसमें हाँ उसकी तीव्रता नहीं है, बराबर निश्चय की तीव्रता नहीं है, हाँ लेकिन उपयोग के साथ निश्चय की तीव्रता होने पर ये होता है। हाँ हाँ बराबर तो इस तरह से उसका हमें लाभ मिलता है, हाँ बराबर ऐसा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये मैंने आपको व्हाट्सएप में दो पोस्टर फॉरवर्ड किए हैं। हाँ एक मिनट। हाँ बताइए। वो पहला वाला है, दुख माटे है हथपत करता नथी त्यारे ते आवीने उभू रहे छे, तो सुख माटे शु काम हथपत करो छो। हथपत क्या होता है, डिक्शनरी में देख रहा हूँ, मुझे मिला नहीं। याने उसके पीछे पड़ते हैं ना, दुख से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सुख के पीछे। हथपत मतलब जल्दबाजी। हाँ जल्दबाजी बताइए। दुख के लिए जल्दबाजी करते नहीं है लेकिन वो आ जाता है, लेकिन सुख के लिए जो है फिर क्यों जल्दबाजी करते हो, ऐसा बोल रहे। ऐसा है ना कि दुख के लिए जो हम जल्दबाजी करते नहीं है तब भी वो आके खड़ा हो जाता है ना, यानी वो आ ही जाता है ना। हाँ, यानी उसको उसको हटाने का कोई प्रयत्न नहीं करते फिर भी वो आ जाता है, आ जाता है। तो बोले कि सुख के लिए आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं। उसका मतलब कहने का यह होता है कि सुख और दुख कर्म के परिणाम है, वो आएंगे और वो चले जाएंगे, और ये प्राकृतिक सुख दुख की दौड़ है, दौड़ भागा भागा दौड़ी है। तो उसके पीछे क्या आप इतने वो रहते हैं, ऐसा बताना है। अच्छा। तो बोले कि सुख, ऐसे सुख के पीछे आप क्यों भागते रहते हैं, यानी पांच इंद्रियों के टेम्पररी सुख के पीछे सारी दुनिया पड़ी है ना, उसकी बात आती है। बोले दुख के पीछे, दुख के धक्का माने कुछ करते नहीं है फिर भी वो दुख आके खड़ा ही रहता है ना, उसका मतलब क्या है कि वो कर्म का परिणाम है दुख। वैसे सुख भी कर्म का परिणाम ही है, लेकिन आपने कभी सुख दिया नहीं है तो आपको सुख आएगा नहीं। इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा, आप सुख की दुकान खोलो, आप सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा। एक्शन में समझ गया। हाँ हाँ अच्छा, ये हमने आज तक धंधा लोगों को दुख देने का ही किया है, तो वो वापस आएगा ना, जो दिया है वो वापस ही आता है। हमने मतलब फाइल नंबर एक में ना, ये तो समझ लेना है ना। हाँ मतलब वो ऐसा है ना, ऐसा है ना, देखिए कि वैसे कश्यप जी जो है वे आगे का कर्ता भाव का प्रोजेक्शन का परिणाम है, जाने आगे की प्रतिष्ठा जैसे हुई है ऐसे वो आज काम करते हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होने पर उसके साथ एकाकार रहते हैं।
यानी एकाकार परिणाम होता है, ज्ञान नहीं होता है तब एकाकार परिणाम होता है, तो क्या बनता क्या है कि वो जैसे होता है ऐसा ही खुद को मान लेती कि मैं ऐसा हूं। आप समझे, हकीकत में जो कर्ता भाव से जिन्होंने किया था वो तो करके चले गए, यानी ये प्रतिष्ठित आत्मा जो कश्यप जी का बना है वो बनाने वाले बनाकर चले गए। अभी तो कश्यप जी केवल पहले की प्रतिष्ठा का परिणाम है। हाँ। और वो परिणाम आप भुगतते हैं, हकीकत में वो आप भी नहीं भुगतते हैं। इसका खबरी यही है कि अभी आता है। हाँ? इसका सारांश यही निकाला है कि मतलब हम जो है को देखना जानना है, बाकी करने वाला जो है वो जो बदलने वाला है वो सब फाइल वन प्रतिष्ठित आत्मा है। नहीं, नहीं, नहीं तो है, लेकिन इसीलिए आज हमें ज्ञान मिलने पर क्या समझ में आया कि खुद से आप खुद और प्रतिष्ठित आत्मा अलग हो गए। अलग हो गए। पहले अज्ञान, यानी जब ज्ञान नहीं होता है तो प्रतिष्ठित आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, आप ही है। हाँ, समझ गया, समझ गया। ऐसा है। एक और चीज। हाँ, सॉरी, क्लियर। नहीं, नहीं, बराबर है, आप समझ गए ना बस। हाँ, मैं बोल गया, समझ गया। ये एक और बता दीजिए, बोलने से ही जगत खड़ा हुआ है और बोलने से ही जगत बंद हो गया, यानी वो क्या बोलना है जिसे जगत खड़ा हुआ है वो समझना है, और वो क्या बोलना है जिसे जगत बंद हो जाएगा। ये समझ नहीं आया क्या? क्या बताया? ये समझ नहीं आया कौन से थोड़ा अगर रेफरेंस होता ना तो। नहीं, नहीं, अच्छा, इसीलिए इसे सूत्र बोला है ना। अच्छा, सूत्र यानी दिमाग, दिमाग को क्या बोलते हैं, पुष्टि करनी है। हाँ, वो ऐसा क्यों बताया है, ऐसा सोचना है तो उसका मतलब तो कुछ गहरा होता है कि एक बोलने से जगत खड़ा हुआ है और दूसरा बोलने से वही जगत बंद हो जाएगा। खड़ा हो गया है ना जगत। वो क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो हमने मतलब करता बोलना और नामधारी बोलने से जगत खड़ा हुआ है और शुद्धात्मा बोलने से हम शुद्धात्मा। नहीं, उसका मतलब क्या होता है कि अज्ञानता से जो बोला जाता है वहाँ कर्ता भाव का आरोप होता है। हाँ। तो उसे जगत खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। हाँ। और अभी ये जो आज्ञा के लक्ष्य और आज्ञा की समझ से जब हमारा बोलना पुरुषार्थ से बोलना होता है। हाँ। जो अज्ञानता के कारण जो आज बोला जाता है, जैसे कि आज कश्यप जी बोलेंगे ना, मैं यहाँ गया, वहां गया, वहां से यहाँ आया, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो रिकॉर्डेड टेप है। हाँ। और आज हम पुरुषार्थ से आज्ञा की समझ मिलने से, ज्ञान मिलने से, हम वह भाषा बोलते हैं, व्यवस्थित है, मैं तो देखने वाला जानने वाला हूं, मैं करता नहीं हूं वगैरह जो है ना, आप समझे। तो वो बोलते तो फाइल ही है लेकिन हम जानते हैं उसको बोलते। हाँ, लेकिन ऐसा है, इसलिए हम व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूँ ना, उसी की जिम्मेदारी में यह पुरुषार्थ आता है। इसमें जो बोलने से ही जगत बंद हो जाएगा लिखा है ना, उसमें बोलते तो फाइल वन ही है लेकिन कई बार वो फाइल अरे वन लेकिन फाइल वन कैसे बोलती है, निश्चय दृष्टि मिली है इसीलिए ना। हाँ हाँ, वो और वो भी जो निश्चय दृष्टि के लक्ष्य के साथ वो बोलना होता है, इसीलिए वो बोलने से जगत बंद हो जाता है। और इसीलिए इसीलिए हमें कहा है कि व्यवहार दृष्टि की आज्ञा वो बड़ी है। वो व्यवहार से जो व्यवहार दृष्टि की जो है वो जो हमारे लिए बोलते हैं तो वो भी वो फाइल वन जो बोलते हैं वो हमारे लिए बोलते हैं मतलब। अरे वो फाइल वन वही फाइल वन ही बोलती है लेकिन उसके पीछे अज्ञान काम करता था, ये बात है। और यहाँ ज्ञान काम करता है इसीलिए वही फाइल बोलती है, यानी खुद से ही खुद का छेद होता है, खुद ही खुद को बांधता है, खुद ही खुद को छोड़ता है।
जैसे बोलते ना मैं शुद्धात्मा हूँ, तो शुद्धात्मा फाइल वन शुद्धात्मा नहीं है, लेकिन वो फाइल वन जो है वो हमारे लिए बोलती है कि वो मैं शुद्धात्मा। अरे लेकिन उसमें क्रिया की शक्ति नहीं है। हाँ वही वही सही, आप समझ गए ना? समझ गए, बहुत अच्छा, यही सच्ची जान है। ओके डॉक्टर नीना मैन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपन चरण विधि में बोलते हैं डखो डखल ना करूं एवी शक्ति आपो, तो हाँ। मेरे डेली व्यवहार में व्हाट इज द बाउंड्री लाइन कि मैं नॉर्मेलिटी से मैंने डखा कर दिया व्यवहार में? डखा यानी ऐसा क्यों हुआ, किसी हाँ। के ऊपर आरोप करना, कोठारी सब ऐसा क्यों करते रहते हैं, उनको ये हाँ। समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है, इतना तो समझना चाहिए ना, भाई ने ऐसा कर दिया, संभव को बताया था कि ये करना है, बहू को बताया था कि वो करना है, समझे ना? हाँ, फिर आगे नॉर्मलिटी, नॉर्मल व्यवहार में ऐसा है ना, डखो डकल डखा डकल करने का मतलब क्या है, जो होता है उसको हम मानते हैं कि उन्होंने किया, दैट इज डखा। बोलते तो है कि सब क्रिया व्यवस्थित के हाथ में है, व्यवस्थित ही करती है, कुदरती रचना में ये सब हुआ, कुदरती रचना से ये हो रहा है, और क्या बोलते हैं, इस तरह से उसका डाइसेक्शन होता है, और वो डाइसेक्शन से सब वातावरण बिगड़ जाता है। अच्छा। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बार बार ऐसे ही करते हैं, कितनी बार समझाया, हाँ। ये होता है ना, ये हाँ, ये हाँ। दिखते हैं, तो देखभाल करने की शक्ति दो उसके सामने, टका टकल करो नहीं है ऐसी शक्ति, केवल देखभाल करने की शक्ति दो। देखभाल करना यानी सुदम वॉच, वॉचमैन जैसे काम करना है, फिर आप बोलेंगे हम तो वॉच वुमन जैसे काम करेंगे, आप समझे? वॉचमैन जैसे, वॉचमैन नहीं होते, वॉच वुमन नहीं होते, नहीं होते वॉचमैन जैसे, क्योंकि वॉच करने की शक्ति वो केवल पुरुष में ही है, पुरुष लेकिन वो जो मूल पुरुष है वह जी प्राकृतिक पुरुष है वो नहीं, नहीं 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 ऐसा है, ऐसा है तो वही तो मेरी डेली व्यवहार में क्या बाउंड्री है, क्या लिमिट है जहां आई क्रॉस इट एंड आई डू दखा? एक बात समझना है, आपका काम आप है वहां आपका काम करे, आप कहां है, मैं शुद्धात्मा हूं, सो निश्चय दृष्टि से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि करेंगे, देखेंगे व्यवहार दृष्टि से करेंगे या देखेंगे? करेंगे करेंगे। वो क्या करना है, व्यवस्थित में जो नीना बेन की गलतियां सब आती है परिणाम स्वरूप, तो उसको व्यवहार दृष्टि से सीधा करना है, क्योंकि नीना बेन की जो कमजोरी है, गलतियां है, वो कौन से भगवान आके रिपेयर करेंगे? नोबडी, मुझे मुझे अलग होके रहना है। आप श्रीमंदर स्वामी भगवान को बोल दो, दादा भगवान को बोल दो, ये सब अभी निपटा दो ना, वो क्या बोलते हैं, वो आपका काम है, इसीलिए आज्ञा दी है, आज्ञा इसीलिए दी है कि बताया ये फाइल का सब संभव से निपटारा करो जी, ठीक है ना, वो आपको करना है, बाकी है, लेकिन वो निश्चय दृष्टि के साथ का होने के कारण, एक देखो मैं ये कश्यप जी ने अगले दिन भेजा था वो हम जरा देख लेते हैं, बहुत अच्छा है आज्ञा के संबंध में। हाँ जी, ये देखो आज्ञा पालन में धर्म ध्यान और कुछ नहीं है, और वो बहुत पुण्य बांधने का काम करता है, तो ये जो हम
रिपेयर का काम करते हैं ना, अरे ऑन नहीं, एक मिनट है, एक मिनट ये बताना चाहता था मैं। ये देखो ये है, एक दो दिन पहले आया था कश्यप जी ने, 4 तारीख को भेजा था। अच्छा जी, तो हाँ, तो ये बात समझना है, आज्ञा वो धर्म ध्यान है लेकिन वो शुक्ल ध्यान सहित है, लेकिन मूल उसमें धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान तो हमें दिया है कृपा से जी जी, लेकिन अगर जब अगर बाहर बाहर यानी प्रकृति के भाग में, व्यवहार के भाग में अगर धर्म ध्यान नहीं है तो अंदर शुक्ल ध्यान नहीं होगा, नहीं है जी जी, होगा ही नहीं जी। इसीलिए क्योंकि व्यवहार के बेजमेंट पर, बेजमेंट ऊपर निश्चय खड़ा है जी जी, और वो ये धर्म ध्यान जो दिया है वो जबरदस्त पुण्य हमारे लिए बांधता है। वो पुण्य का फल क्या है कि हमारा जन्म वहाँ महावेदी क्षेत्र में होता है, कि जहाँ पर द्वापर है कायम के तौर पर जी, और वहाँ तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति है जी, जिनकी कनेक्टिविटी यहाँ से है जी, और जो दादा भगवान की चिट्ठी को एक्सेप्ट करेंगे जी। इसीलिए कहा है कि दादा भगवान की चिट्ठी देखकर वो कोई हमें रोकेगा नहीं, एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलेगी, ऐसा है। तो ये व्यवहार दृष्टि से हमारा जो काम है ना, कि बाहर व्यवहार कमजोर है, अभी गलतियां वाला है, तो उसमें यही काम करना है, निश्चय दृष्टि से देखना है, वही देखने वाले हम, वो वही कराने वाले हम, इसीलिए वो निश्चय से करता है, क्रिया से करता नहीं है जी जी, निश्चय से करता है, निश्चय से करता है जी, समझ गया ना। तो ये इस तरह से काम ठीक है जी 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 जी, यही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद। उमेश जी, स्वामी जी प्रणाम, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी एक एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि पुद्गल तो परमाणु रूप है और नित्य है, और विभाट और नित्य है, नित्य है, हाँ नित्य का मतलब क्या है, मतलब इट इज परमानेंट, जो परमाणु है। ओके ओके हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ओके फाइन, आगे बढ़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो लेकिन लेकिन पुद्गल से जब किसी वस्तु का निर्माण होता है, जैसे उमेश का सारा शरीर पुद्गल से ही बना है, मन चित्त बुद्धि ये सब पुद्गल है, तो जब इसका निर्माण होता है पुद्गल से, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड इम्परमानेंट, एम आई करेक्ट, सब्जेक्ट टू एंड इम्परमानेंट, परिवर्तनशील है और अनित्य है, टेम्पररी है, ये बात ठीक है ना, हाँ करेक्ट। जबकि पुद्गल परमाणु स्वरूप में नित्य है, करेक्ट, हाँ बस यही चीज मेरे को, मिट्टी से मूर्ति बनाई, हाँ जी, तो मिट्टी परमानेंट है लेकिन मूर्ति टेम्पररी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ठीक है, समझ आ गया स्वामी जी, जैसे चला। अमी बहन, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। आपने अभी वो कश्यप जी से बात की ना, प्रतिष्ठित आत्मा की, तो ये आपने पहले भी बहुत बार समझाया है और वो समझ में भी थोड़ा आया कि हमने ये प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनाया है। और वित्रागो ने दादा की एक बुक में पढ़ा था कि वित्रागो की भाषा में दो ही रहता है, सर्जन और विसर्जन। तो अब ये जानना है कि ये जो प्रतिष्ठित आत्मा ये पूरी विसर्जन हो रही है और उसको ही हमको देखना है, तो यहाँ पे फिर हमारा रोल सिर्फ फिर क्या रहा? ऐसा है, ये देखने की बात कब होती है,
हाँ? कि जब आपका पुद्गल नॉर्मलिटी वाला है, हाँ, लेकिन आपका पुद्गल का स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, देह के स्थूल संजोग और मन के सूक्ष्म संजोग अभी कमजोरी वाला है, नॉर्मलिटी नहीं है उसमें, दूसरों को दुख होता है लोगों को, हाँ, तो उसको कौन प्रिपेयर करेगा? हाँ, बराबर है। इसीलिए वरना अगर वो पुद्गल अगर ठीक ही होता, यानी कि द्वापर का अगर ये पुद्गल होता तो यही केवल ज्ञान हो जाता, पूरा हो जाता, हाँ, लेकिन द्वापर में ऐसा ज्ञान मिलता भी नहीं है। हाँ, द्वापर में ऐसा ऐसी प्राप्ति होती भी नहीं है, ऐसे संजोग ही नहीं होते हैं। इसीलिए कहा है कि ये एडजस्टमेंट से कृपा का मार्ग खुला है, उसका हम लाभ ले लेते हैं, यानी उसका लाभ मिला है हमें, बोलेंगे तो मिला है हमें। हाँ, हाँ, इसीलिए हाँ, सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहकर निकल जाना है, झगड़ा नहीं करना है, निकल जाना है, पाय हाँ, नहीं चढ़ाना है, ऐसा करके चलो देखता हाँ, हूँ नहीं, नहीं। समझते क्या है, मैं हम भी कुछ कम नहीं, नहीं नहीं अभी सब हथियार तो दादा ने नीचे रखवा दिए हैं, बात सही है, लेकिन ये ध्यान रखना है अभी। हाँ, तो अभी एक आपने बताया था ना कि जिसने प्रतिष्ठा किया है तो वो तो अब नहीं रहा और हमारे भाग में आया है ये मालपुरा, तो हाँ, तो यहाँ पे अभी अमी अमी जो वो अहंकार था वही अहंकार अभी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जबकि वो दादा ने निर्जीव कर दिया है, वही अहंकार को निर्जीव किया है। ऐसा नहीं है, कर्ता भाव से जो बांधा था उसका, उसके परिणाम से ये प्रतिष्ठित आत्मा बना बना, हाँ, तो भोक्ता भाव से खाली होता है। हाँ, बराबर। अभी वो कर्ता भाव नहीं रहा, आज रहा नहीं है। हाँ, और ज्ञान मिल गया है, हाँ, इसीलिए कर्ता भाव से छूट गए हैं, छूट गए हैं। और कर्ता भाव कितना रहा है, रहा हाँ, है अभी, हाँ, आज्ञा पालन तक का सीमित रहा, बराबर। आज्ञा पालन से उसमें हमारा कर्ता भाव है, मैं संभव से निकाल करना है, करना है, हाँ, आपको सुनने में आएगा, हाँ, संभव से निकाल हो जाएगा, हाँ, किसके पिताजी करेंगे, बराबर, थोड़ा थोड़ा भारी लगेगा लेकिन कौन करेगा, हो हाँ, जाएगा बोलते हैं, हाँ, उसको करना है, करना वो है, आज्ञा है, हाँ, मुझे सम भाव से निपटारा करना है, करने जाना नहीं है, करने जाना नहीं है, हाँ, करना है, है, करना है, हाँ, करेक्ट करेक्ट, बराबर, करने जाना नहीं है, इसके पीछे बहुत भूत बहुत रहस्य है, क्या बताया? ओके, वो शक्ति भी मांगते हैं ना कि भाई दादा हमको अभी ये फाइल को संभव निकाल करना है, करेक्ट, वो क्यों मांगना है, क्योंकि हाँ, अगर हमारे पास शक्ति होती हाँ, तो संभव से निकाल निपटारा ही करते, लेकिन शक्ति नहीं है, सही देते, बराबर, निश्चय करते हैं, हाँ, शक्ति मांगते हैं और जितने चूक हाँ, गए संभव से निपटारा जितना नहीं हुआ और सामने वालों को किसी भी प्रकार से कुछ भी दुख हो गया उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं, हाँ, ऐसा है, हाँ, तो मतलब अभी क्या है आज्ञा में, हाँ, कि आप हो गए, हाँ, लेकिन ये जो नामधारी जुड़ा हुआ है ना, हाँ, वो कमजोरी वाला है, वो सहज नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो उसको नॉर्मल कौन करेगा, बराबर है,
हम ही करेंगे। कुदरत नॉर्मल करवाने के लिए आती है, हाँ व्यवस्थित का काम वही है, लेकिन अगर आप व्यवस्थित को स्वीकार करते हैं तो आपकी डखा डकल नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, लेकिन आज भी डका डकल करते हैं, इसीलिए कहा कि आज्ञा दी है ताकि हम उसके अंदर डका नहीं करें। बराबर। और व्यवस्थित को करने दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हमसे ये गलती होती है, लेकिन फिर भी हम तय करते हैं जितनी गलती हो गई उसकी माफी मांगते हैं, तो उससे एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। और जो आज्ञा पालन की हमने तय किया कि संभव से निपटारा करना है, उसका फल स्वरूप वहां महाविद्या क्षेत्र में जन्म होगा, और वहां पर ये सब निश्चय किया हुआ, उसके लिए बताया कि 70% की आज्ञा पालन जरूरी है। ये 70% हो गई तो बोले आपको महाविद्या की टिकट पक्की है। ऐसा तो स्वामी जी, ये जो फाइलों का संभाव्य निकाल करने का जो हम ये नक्की करते हैं, तो इसमें फाइलों का संभाव आपने बीच में भी बताया था कि फाइल कोई व्यक्ति स्वरूप नहीं है, ये हमारा अंदर की जो सब माल है वो हमारी फाइल है, तो ये मेरे पन का संभाव से निपटारा करना है। मेरे पन का, हाँ, हाँ वो मेरा पन है ना, वही परिग्रह है। परिग्रह, हाँ हाँ बराबर, उसका संभाव से निकाल, वो आपको व्यवस्थित करता है, वो स्वीकार करने देता नहीं है। हाँ आप समझे, हाँ हाँ समझ में आया। बराबर, फिर से थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है तो भोक्ता भाव से खाली होता है। हाँ। कर्म के परिणाम रूप जो पहले कर्ता भाव से गुना गया था, बांधा गया था, वह आज परिणाम में भोक्ता भाव से खाली होता है, खाली हो रहा है। हाँ। वो भोक्ता भाव के परिणाम का जो भुगतान आता है उसको हम आभास परिणाम से भुगतते हैं, उसके भुगतने वाले होते हैं, भुगतने वाले बन जाते हैं। हाँ। वैसे आप है नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ। उस भुगतान को, हाँ, उस साता असाता वेदनीय परिणाम को देखने वाले हैं आप, लेकिन हम देख नहीं पाते और वहां पर करते नहीं है, लेकिन उसका आभास परिणाम रूप उस भुगतान के भुगतने का कर्ता बनते हैं, भुगतने वाले बनते हैं, कर्ता बन जाते हैं। हाँ, राइट। इसीलिए व्यवस्थित करता है वो समझ में नहीं आता है, भुगतने वाले ये अमीबेन है, आप नहीं है, बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, तब अमीबेन भुगतते हैं, लेकिन अंदर ये असर हो जाती है, असर हो जाती है। बोले कैसे पता चले असर हो जाती है, चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें घूमने लगती है, समझे। हाँ। ये सूक्ष्म की गलती है, आचरण और वाणी की भूल, वो व्यवहार की भूल बोली जाएगी, स्थूल भूल बोली जाएगी। हाँ, स्थूल भूल। तो आज भी सामने वाले को दुख प्रदान करती है, दुख देती है। आप समझे ना, तो हाँ, इसके लिए हम संभव से निपटारा करना है करके बोलते हैं, तो जो संपूर्ण मेरापन रहित होगा वो, समझ गए अभी। हाँ बराबर, मतलब ये मेरापन का ही निकाल करना है। बराबर, बहुत कुछ खाना पचा लेते हैं, लेकिन ये भुगतान छोटा भी होता है मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ। ये कोई ढंग है, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं बात, समझे। बहुत अच्छी तरह से। हाँ समझे। तो अभी इसको ऑब्जर्व करना है, हाँ, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है,
निरीक्षण करना है कि संयोग के धक्के में ये मन वचन काया रूप फाइल क्या करती है, लेकिन नजर हमारे पर नहीं होती, नजर सामने वाले पर होती है अभी, वो क्या करते है, उन्होंने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे तो करना नहीं था, लेकिन वो अगर ऐसा करेंगे तो मैं क्या चुप बैठूंगा, मैं चुप बैठूंगी, मैं कोई कम नहीं हूं। क्या लघु भाव टूटता है, बहुत कुछ टूटता है, लेकिन धीमे धीमे उसको पहचानना है और उसमें से निकलना है, समझ गए। यही जो सारी जो यही चीज पहले होती थी, क्या पहले होती थी ये सब चीज, जब पहले ये सब चीज भी होता था, बोलना सामने प्रतिकार दे देते थे, लेकिन अब भी वाणी में से ऐसा निकलता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और अंदर से उनको पकड़ आ जाती है, ये 10 मिनट जो पहले बोलते थे अभी और 2-3 मिनट में वो जल्दी खत्म हो जाता है। उसके लिए बताया कि तब भी मेरापन था, लेकिन वो मेरापन अटैकिंग भाव वाला था, हिंसक भाव वाला था, वो ज्ञान मिलने पर हिंसक भाव और सामने वाले को पीड़ा देने का भाव, कसाई भाव, वो पीड़ा भाव, पीड़ा कारक भाव है, पीड़ा देने वाला भाव है, वो बंद हो जाता है। ये ज्ञानी की कृपा से, ज्ञान के बल से ये बंद हो जाता है, बल से। जो रह जाता है तो वो तिरस्कार भाव और अभाव भाव, अभाव भाव। तिरस्कार भाव में सामने वाले को हम कर्ता मानते हैं, इसलिए उनके प्रति एक अभिप्राय ऐसा गहरा बन जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे उनको देखना ही नहीं है, उनकी उपस्थिति, उनका अस्तित्व ही मुझे चाहिए नहीं। हेट्रेड बोलते हैं, वो हेट्रेड सामान्य, हेट्रेड का मतलब गेट लॉस्ट, गो टू हेल, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कुछ करवाता है, नहीं चाहिए मुझे, मुझे देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है ऐसा। तिरस्कार भाव में वो होता है, वो कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा हो सकता है, बराबर है, उनके व्यवहार से हमें इतना एवर्जन हो जाता है ना, इतना द्वेष हो जाता है, वो द्वेष भाव है नहीं, लेकिन डिसलाइक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, राइट, ऐसा है, समझ गए। लेकिन अभी वही अहंकार अभी हमको झुकने को भी मजबूर करती है कि भाई चलो मना लो, सामने व्यक्ति के सामने हम सामने हमें छूटना है ना, अभी छूटना है इसीलिए। सच्चिदानंद, यही सच्चिदानंद। काजल बहन, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, आपने अभी बात करते थे ना, उसमें आपने बताया कि फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, ऐसा नक्की करना है, करने जाना नहीं है, उसमें गूढ़ रहस्य है। आप ये बोलते थे और आगे कुछ बात चली तो वो बात नहीं कह सके, गूढ़ रहस्य वाली वो बताइए ना, पीछे बताएं, क्या बताया, गुजराती में बोलू? हाँ बोली बोली, मैं समझ लूंगा। फाइलो नो संभाव निकाल करवानो, अपने खाली नक्की करवानो छे, करवानो नथी, करवा जावानो नथी, એમાં એના માટેનું ગુઢ રહસ્ય છે, એવું તમે અંદર વાત કરતા હતા, વાત કરતા કરતા પછી આગળ બીજી વાત નીકળી, એટલે ઈકા મતલબ ક્યાં હોતા હે કે કરને વાલે હમ નહીં હે, તો કરને જાને પર હોને વાલા નહીં હે, ક્યુંકિ સબ સંજોગ અનુકૂળ હે તબ વો હોગા ના, વ્યવસ્થિત મે હે તો હોગા। હા, આજ કા જો વ્યવસ્થિત હે ઉસકા પૂરણ यानी चार्ज पिछले भव में हुआ है, तो आज का जो परिणाम है
वो तो परिणाम ही है। हाँ। तो उसका कारण हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ। इसीलिए ये जो संभव से निपटना करना है करके जो करते हैं उसी में कर्ता भाव छिपा हुआ है, इसीलिए कहा कि आप आज्ञा के कर्ता रहे बस। आज्ञा तक सीमित है आपका कर्ता भाव। हाँ। और उसको स्वीकार करते हैं हम। हाँ। उसके परिणाम से सिमंदर स्वामी भगवान के पास हमारा जन्म होता है, ये प्रतिष्ठित आत्मा वहां जाता है। हाँ। उसको उसको बोलते हैं ना, एड्रेस लगाते हैं ना पार्सल पर। हाँ। तो ऐसा ये पार्सल पर ये जो कारण शरीर बनता है ना आज। हाँ। वो आज्ञा पालन के कर्ता भाव का ही इतना सीमित ही कारण शरीर बनता है, बाकी सब व्यवस्थित में जाता है। इसलिए अपने फाइलों का संभाव से निकालना निकाल करना है, वो उसमें ही आज्ञा में ही स्ट्रॉन्ग रहना है, निकाल हो या न हो आज्ञा ही रही। अब आज्ञा ही धर्म है और कोई धर्म नहीं, बाकी तो सब व्यवहार अज्ञानी अज्ञानी के जैसे ही चलेगा, लेकिन आज्ञा उसमें आप है ही नहीं। हाँ, उसमें मैं आप है ही नहीं। हुँ. लेकिन जितना आपको लगता है मेरा अपन वाला भाग। हाँ. उस मेरे बन में से आप ये मनवाणी कहा कि एकता नहीं है, इसीलिए आपकी अंदर निहित शक्ति है ही नहीं। हुँ. इसीलिए आज का भूतगल शक्तिहीन है, बहुत कमजोर है। हाँ. इसीलिए ये लोग भी मानते हैं। तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो जानते हैं क्या करेगा। ये तो कुत्ता नहीं, ये तो करते नहीं है, क्या करें, जाओ जाओ आपके बस में जो होता है कर लो, देख लूंगा मैं भी, देख लूंगा, ऐसा करके बोलते समझे। इसलिए यहाँ पर हम निश्चय करते हैं, इसलिए आज्ञा और आज्ञा का पालन आज्ञा के निश्चय में है, मुझे संभाव से निपटारा करना है वह, समझिए। तो उसके परिणाम से महाविदेह क्षेत्र में जन्म होने वाला है। और बाकी और कोई कोई भाव ही नहीं है ना। कोई और वो भाव जो है वो द्रव्य भाव है। हाँ। द्रव्य भाव का मतलब डिस्चार्ज होते हुए भाव। हाँ। जो अच्छा लगवाता है या बुरा लगवाता है। हाँ। लेकिन उस अच्छे बुरे में हम नहीं है। हाँ। और जो अच्छा बुरा लगता है उसका प्रतिक्रमण होता है। और जितना प्रतिक्रमण नहीं होता है उसमें आगे थोड़ा काम बचेगा या बढ़ेगा, बचेगा बोला है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता है ना, कुछ हमने ऐड किया ऐसा हो जाता है, उतना काम रह जाता है, ऐसा है। उसमें 30% की छूट दी है, 70% का क्लियरेंस यहाँ करना जरूरी है। और आज्ञा के सामने हमको कोई बुद्धि लगानी नहीं, आज्ञा ही आज्ञा बस हमारे। ऐसा है ना, जब आपको दादा भगवान ज्ञान स्वरूप पर इतना ही पूरी निष्ठा आ जाएगी कि वो मेरा स्वरूप है, वो मैं ही हूँ, फिर वो सब बंद हो जाएगा। जैसे कि ऐसा एक भाव बोलेंगे या परिणाम बोलेंगे, जब दादा भगवान हाजिर थे तो दादा भगवान से कोई भी बात आती थी ना तो उसमें बुद्धि बीच में आती ही नहीं थी। आपने कहा यानी मुझे करना है, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इसीलिए आज्ञा के संबंध में दादा के वचन भी ऐसे निकले हैं कि किसी को कहा कि बाजार में से पाइनएप्पल लेके आओ, तो वो बड़े खुश होकर ले आते। किसी को कहा कि सुबह में आओ तो वो गुजरात समाचार लेके आना, पेपर न्यूज पेपर, तो वो विकल्प नहीं करते थे।
उनको पाइनएपल बुलाने को बोला, हाँ मुझे किसी से 2 रुपए का पेपर लाने का, कोई भी कर दे, मुझे आज्ञा मिली, आराम भगवान ने मुझे आज्ञा दी। उस आज्ञा और आज्ञा के पालन में इतना उल्लास रहता था, यानी उस आज्ञा के प्रति खुद का समर्पण भाव। अभी ये आखिर का एग्जाम्पल है, वो बहुत टेस्टिंग वाला है। वो हमारे साथ ही हुआ था। वो बताया कि ये लोग मुंबई से आए बड़ौदा, वो कितना वो तैयारी करके आते हैं कि आज सारा दिन है, ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह, और वो यहाँ आते हैं अभी स्नान भी नहीं किया है, स्नान तो भी जाके करेंगे, लेकिन आए और दादा के दर्शन किए और दादा भगवान ने बताया हम बम्बई से आ गए। हाँ दादा बहुत अच्छा, लेकिन आप ऐसा करो पलट के आप दोबारा बम्बई चले जाओ। पर दादा मैं तो आपके दर्शन के लिए और सारे दिन सत्संग के लिए आया हूँ। फेल 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 फेल। और जितने उल्लास से आपने दर्शन किए, दादा भगवान के आशीर्वाद लिए और दादा भगवान ने बताया कि वापस चले जाओ, ओ आज मुझे आज्ञा नहीं, ये बात है। तो एक शंका नहीं, एक विकल्प नहीं, और उतने ही उल्लास से पलट कर वापस चले जाते हैं। ऐसा आज्ञा पालन करना है। धीमे धीमे ये भाव हमारा है ना, हाँ। ये समझ तो धीमे धीमे बुद्धि बीच में आएगी नहीं, कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। हाँ। दादा के वचन आए वहां पर कोई विकल्प नहीं, ये नहीं क्यों नहीं वो नहीं कुछ नहीं। और आगे एक बात बताते बताते ऐसा भी बताया कि ऐसा अगर आपको 9 बार बोले, हाँ। जाओ रुकने नहीं रुक जाओ चलो चलेगा, आप आए हैं तो रुक जाओ, फिर से कोई बात आती है और चले जाओ वापस, तो ठीक है मैं जाता हूँ, हाँ। और 9 बार ऐसा, हाँ। होता है। दादा के इम्तिहान में आप पास हो गए, आपका काम हो गया। ये इसका प्रमाण दिया, आज्ञा पालन, आप हमारा समर्पण भाव कहाँ कैसा कितना है। और आज जब दादा भगवान की प्रत्यक्ष हाजिरी नहीं है, उपस्थिति नहीं है, लेकिन दादा भगवान का वही योग बल यश नाम रूप से वो काम कर रहा है, तो बस उस ज्ञान स्वरूप पर हमारी पूरी निष्ठा समर्पित भाव से आज्ञा पालन रखना है। हाँ। यानी अब आज्ञा वही दादा है। हाँ। यानी जहां पर कोई भी संयोग का आगमन अगर हम स्वीकारते नहीं है और उसके ऊपर विकल्प करते हैं, हाँ। और संयोग का आगमन यानि हम व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति का, हाँ। आगमन, हाँ, व्यक्ति का आगमन नहीं, भोक्ता भाव से जन्मा हुआ नहीं, कर्ता भाव से जन्मा हुआ भोक्ता भाव का परिणाम जो भुगतान आता है उसका स्वीकार करना, उसके प्रति कोई अच्छा बुरा भाव नहीं है, तो मेरा भाव नहीं है, हाँ। उसका पक्ष नहीं लेना, हाँ। उसका संभव से निपटारा करना है, दादा मुझे शक्ति दो, हाँ। काम हो गया, हाँ, बस आम अजरे उठा, यस। और आपके व्यवहार के दादा भगवान है, पता है ना, व्यवहार के दादा भगवान कौन है, बड़ी फाइलो चाहिए, फाइलो नहीं है, एक ही फाइल है, बोलिए जल्दी, नहीं खबर पड़ी था, आपके महादेव नहीं है घर पर, हाँ तो याद नहीं, हाँ बस वो व्यवहार के महादेव आपके और दादा भगवान निश्चय के महादेव, तो दोनों पल्लू
तरीके हो गए। व्यवहार के होने पर भी उसके पीछे निश्चय ही है, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार ही है ना। उनसे अगर कोई बात आती है तो फिर ऐसे उसका स्वीकार रखना आपका हाँ। काम हो जाएगा। हाँ, मैं ये आज्ञा के लिए बहुत शक्ति मांगती हूँ आपसे कि मुझे ये आज्ञा बहुत आज्ञा में बहुत रहू बहुत बस यही हमारा जीवन है, वही हम है। दिल से रखेंगे तो एक दिन उसका परिणाम आ ही जाएगा। जय सचिदान जय सचिद। मने आज्ञा मिली એટલે હું ખુશ થઈ ગયો। જય સચિદ। યસ, આજ્ઞા મળી ગઈ, અબ આજ્ઞા મળી ગઈ। યસ, જય સચિદાનંદ। જય સચિદાનંદ। સ્વામીજી સ્વામીજી स्वामी जी, अभी जब आप पहले बात कर रहे थे, जो भी काजल जी ने भी बात जहां से शुरू करी थी, तो आप जो अभी अभी काजल जी से आपकी बात हो रही थी, काजल बहन से, तो आपने दो दो बातें बोली थी कि करने में और करने जाने में अंतर है, तो ये वही बात थी जो आप समझा रहे थे अभी काजल जी को, करने में और करने जाने में अंतर है, करने जाना नहीं है पर करना है। अरे करने तो वही बात है जो आप है, उसमें आपके करने के प्रति का निश्चय है, करने में करने के प्रति का निश्चय है। ओके। हाँ, मुझे और करने है। जाना नहीं है, करने जाना नहीं है, यानी संभव से निपटारा करने जाना नहीं है। अच्छा, तो करने जाने का क्या अर्थ होता है फिर? संजोग नहीं है फिर भी उसको उल्टा सीधा करके कुछ भी करके, यानी अच्छा, आप समझ गए, संजोग का स्वीकार नहीं करते हुए अपनी मर्जी से करवाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर संजोग साथ नहीं देता फिर भी आपको करना है तो वो क्या होगा आप सोचो। समझ गया, इसका मतलब ये हुआ कि संयोग के ना होने पर या संयोग के विपरीत जाकर धक्का मुक्की करनी, उसको कहते हैं करने जाने। करें जिसमें है ना लोगों को बहुत दुख होगा, और संभव से निपटाना चीज ऐसी है कि किसी को भी दुख नहीं होता, सभी को समाधान होता है। समझ गया, किसी को संभव से निपटाना बताया। ठीक है, और दूसरा एक आपने बोला था, आप जब तिरस्कार भाव बोला आपने, तो आपने एक अभाव भाव भी बोला था, लेकिन अभाव भाव नहीं समझाया, वो फिर बात बदल गई। अभाव भाव किसको बोलते हैं कि आप इतना स्वाध्याय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, समझते सत्संग में आते, तो आपको आपकी एक लेवल बढ़ जाती है। अच्छा, और जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, अरे मैं तो कल का आया हुआ, ये सब इतने लोग हैं, इतने कब से ये लोग सत्संग सुनते, कैसे सवाल पूछते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है, वो लोगों के लिए आपको एक प्रकार का अभाव होता है। अभाव होता है। हाँ। ठीक बात। अच्छा, तो वो उसमें से भी निकलना है, उसमें से भी निकलना। ऐसा है। तो स्वामी जी, जब ये तिरस्कार भाव और अभाव भाव आए अगर, तो इसको सिर्फ देखना भर ही बहुत है या इसका प्रॉपरली प्रतिक्रमण भी करना चाहिए? ठीक है, वो सामने दीवार आ गई ना, तो देखना देखेंगे तो चलेगा। अच्छा, देखना ही बहुत है इसको। ठीक है, नहीं सामने दीवार आ गई तो आप देखेंगे ही ना। देखूंगा ही, फिर रुकेंगे नहीं ना। हाँ? रुकेंगे नहीं ना, दीवार आ गई, चलते चलते सामने दीवार आ गई, खंभा आ गया। हाँ? तो आप देखेंगे ही उसको। हाँ, देखूंगा, रुकूंगा भी और अपना रास्ता भी बदलूंगा। ये बात समझना है। तो, समझ गए। तो प्रतिक्रमण करना जरूरी है इन दो भागों में? जाते हैं तो प्रतिक्रमण करना है। अब अच्छा, पर अगर साइड से निकल गए तब कोई दिक्कत नहीं? ऐसा है ना, वॉमिट हो गई और सारा फर्श गंदा हो गया तो साफ करना पड़ेगा? नहीं, साफ करने की, आपने देख लिया ना कि वॉमिट हो गई, वो मैंने तो की नहीं है, उमेश जी ने की है, कौन आके साफ करेगा? और घर पर तो कोई आके नहीं है आपके? उमेश जी करेंगे और कौन करेगा? ये बात समझ गया। ठीक, तो मतलब प्रतिक्रमण करना है।
जहाँ अतिक्रमण होता है वहां प्रतिक्रमण करना है, वो कौन से है? स्थूल और सूक्ष्म दोष के, क्योंकि वो क्रिया में आ गए, स्थूल और सूक्ष्म क्रिया के दोष है। क्रिया के इसलिए बताया क्योंकि मन के जो दोष है ना वो सूक्ष्म में जाते हैं, लेकिन उसकी असर चेहरे पर आ जाती है, आपकी प्रसन्नता टूट जाती है जी जी, कुछ भी ऐसा हो जाता है, नहीं तो प्रसन्न रहते। तो इस चीज को क्लियरली समझने के लिए कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे को किसी के प्रति, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मतलब ये इतने समय से है पर इसको बात नहीं समझ आ रही, देखो और मैं तो अभी आया हूं तो मेरे को बात समझ आ रही। अगर मान लीजिए ये भाव आ गया तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है मुझे वो बताइए, उसी टाइम क्या करना है मुझे उसी टाइम। ऐसा है कि आप दो कदम आगे बढ़ गए, हाँ तो एक जमाना था, एक समय था, आप भी दो कदम पीछे ही तो थे। हाँ तो मेरे को उमेश को समझाना है, ऐसे समझाना ही समझना है आपको। हाँ हाँ मतलब उमेश को समझना है ऐसे, व्यवहार दृष्टि से आप उमेश हो। हाँ हाँ तो उसको ऐसा समझना है, वो उमेश तो पत्थर है, पत्थर आपको समझना है। मेरे को समझ, मैं व्यवहार दृष्टि से उमेश हूँ, वो भूलना नहीं है। हाँ मैं व्यवहार दृष्टि से उमेश हूँ, निश्चय दृष्टि से समझने की जरूरत नहीं है। निश्चय दृष्टि से समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये समझना है, तो यहाँ पर क्या प्रतिक्रमण की विधि करनी जरूरी है इस भाव को लेकर? ऐसे बताया ना कि जो स्थूल दोष हो गए, बोल दिया, कर दिया, हाथ पैर घूम गए, तो उसका प्रतिक्रमण है। मन विरोध करता है तो उसका परिणाम से आपकी प्रसन्नता चली जाएगी, तो उसका प्रतिक्रमण जरूरी है। जरूरी है, ठीक है, समझ गया। उल्टा देखा उसको, सीधा देखा कोई प्रतिक्रमण हो गया, लेकिन उल्टा देखा, उल्टा माना, तो उसके मानने पर वो चेहरे पर आ जाता है। हाँ चेहरे पर आ गया, और माना तो सही, ऊपर से कुछ बोले और किया भी, हाँ तो फिर तो वो दोष प्रत्यक्ष हुआ कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया आपके, जय सच्चिदानंद, वेरी क्लियर, जय सच्चिदानंद स्वामी। उन्नति क्यों चली गई? जल्दी ओके, टाइम हो गया था इसलिए। वो मेरे पास है कंट्रोल, आपके पास नहीं है। सॉरी, चलो बोलो जल्दी, पांच दस मिनट का ग्रेस मिलता है हमें। ओह थैंक यू, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अभी तक तो ऐसा टाइमिंग था कि मैं कभी भी होती थी, मगर अब जब कुछ भी कुछ टर्निंग पॉइंट क्या होती थी, डिप्रेस नहीं होती थी, नहीं होती थी, तो अब नहीं क्या होती होता थी है? मगर नहीं होती थी ना, बार बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ अभी आती है, हाँ बोलिए। और अभी कई बार मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है क्यों ऐसा हो रहा, क्या होता है डिप्रेशन हो जाता है। अरे कौन सी परिस्थिति में, लेकिन एग्जांपल दो, जगह बदलो। हाँ बोलो, कौन सी परिस्थिति में, जब कोई कुछ बोलता है या कुछ बातें होती है तब ऐसा होता है। कौन सी बातें होती है, तो घर से बाहर आओ, हेलो।
बोलो कहाँ है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अरे घर से बाहर आओ ना। बाहर ही हो फिर ना, बोलो अभी एग्जाम्पल। हेलो ओके वी क्लोज हियर। जय सच्चिदानंद। उमेजीत फॉलो त्री मंत्र नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम हाउणम। ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव पाव पणासनो, सव पाव पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।